चलो भैया दोस्तों, आज मैं बनाती हूँ राजमा। और राजमा बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आप ये रेसिपी मेरी तरीके से बनाएंगे राजमा, तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। और आप एक बार बना लेंगे तो आपका बार बार बनाने का मन करेगा। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी राजमा भिगा दिया था 2 घंटे पहले। तो राजमा हमारा अच्छे से भीग गया है। और ये मैं पानी इसका निकाल देती हूँ और निकाल के ले लेती हूँ कुकर। और सारा राजमा मैं कुकर में ट्रांसफ़र कर देते हैं उबालने के लिए। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ कुछ खड़े मसाले और साथ ही में 1 गिलास पानी मैंने डाला है। खड़े मसालों का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने 2 टुकड़े दालचीनी के लिए है, 1 चक्रफूल है और यहाँ पर छोटी बड़ी वाली इलायची है। और थोड़ा सा मैंने नमक डाला जिसमें कि राजमा हमारा अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 सीटी लगाई हैं और आप देख सकते हैं राजमा हमारा एकदम बढ़िया से गल चुका है। तो ये रख देते हैं साइड में। और इधर मैंने 1 प्याज बड़ा साइज का काटा, 2-3 हरी मिर्च हैं, 2-3 कलियाँ लहसुन की, थोड़ा सा अदरक है और यहाँ पर मैंने 2 टमाटर काटे हुए हैं। इधर मैं पलट करके रख लेती हूँ और इधर मैं गैस पर रख देती हूँ कुकर। और कुकर में मैंने 1 भरकर चम्मच तेल डाला है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। तो यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच जीरा, 2 सूखी 3 लाल मिर्च और 1 तेज़पत्ता को मैंने तोड़ करके ही डाला है। तो टेस्ट पता अच्छे से ये सभी चीज़ें चटक गई हैं। तो यहीं पर मैं डाल देती हूँ लहसुन और अदरक, तो इससे भी अच्छा सा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर लहसुन और अदरक अच्छे से थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन हो चुका है। तो यहीं पर मैं ले लेती हूँ प्याज जो मैंने बारीक से काट के रखा हुआ था, ये भी मैं डाल देती हूँ और डाल के अच्छे से चला देते हैं। और साथ ही में मैं डाल देती हूँ हरी मिर्च जो मैंने काट करके रखी थी। अगर आप तीखा नहीं खाते हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 हरी मिर्च जो काटी थी वो भी मैं डाल देती हूँ और डाल के 2-3 मिनट तक बढ़िया से फ्राई कर लेते हैं, ब्राउन होने तक अच्छे से ब्राउन होने देते हैं। दोस्तों अगर ये हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो लहसुन प्याज है बढ़िया से ब्राउन हो चुका है। तो यहीं पर मैं डाल देती हूँ टमाटर और टमाटर डाल के अच्छे से पकाते हैं। तो साथ ही में अब मैं डाल देती हूँ मसाले भी, जिसमें कि मसाले भी अच्छे से पक जाए। तो पहले मैं ले लेती हूँ स्वाद अनुसार नमक और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 1/2 चम्मच हल्दी और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 1/2 चम्मच भर करके धनिया और यहीं पर मैं ले लेती हूँ चटपटे के लिए थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाली हुई है। और सभी मसाले मैं अच्छे से मिक्स करती हूँ। तो दोस्तों मैं सही से आप लोगों को दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि हमारी किचन बहुत ही छोटी है और बहुत ही पकड़ने वाला कोई है नहीं, तो मैं अपनी हाथ ही से पकड़ी हूँ। तो दोस्तों यहीं पर अगर ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो आप प्यार और सपोर्ट अपना ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच डाला है राजमा मसाला। तो यहाँ पर राजमा मसाला डाल करके अच्छे से मसालों को 2-3 मिनट तक मैं पका लेती हूँ, जिसमें कि मसाले से तेल अच्छे से छूट जाए। तो आप देख सकते हैं मसाले हमारे अच्छे से पक गया है। और यहीं पे मैं डाल देती हूँ राजमा। तो राजमे के जो खड़े मसाले हैं वो मैं निकाल देती हूँ और निकालने के बाद में अच्छे से अब मैं देख लेती हूँ, अब तो नहीं है, तो यहाँ पर मैं सभी राजमा डाल देती हूँ। तो यहाँ पर राजमा का जो पानी था वो भी एकदम साफ था, तो मैंने कुछ राजमा का पानी इसी में डाल दिया, जिसमें कि हमारी जो तरी है वो बहुत ही अच्छी आए ग्रेवी। तो यहाँ पर मैं 1 मिनट तक इसी तरीके से चलाती रहूँगी। और चलाने के बाद में मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा राजमा, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। और यहाँ पर मैं हमारा जो राजमा है वो पकने लगा है। तो यहाँ पर मैं अब डाल देती हूँ इसमें पानी। तो मैं पानी यहाँ 1.5 गिलास पानी डालूँगी, थोड़ा तरीदार बनाऊँगी जिसमें कि मैं चावल के साथ खा सकूँ, मुझे चावल के साथ राजमा बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पर मैं 1 सीटी फिल लगा लेती हूँ जिसमें कि हमारा राजमा बहुत ही अच्छा पक जाए। तो आप देख सकते हैं राजमा हमारा एकदम बढ़िया से पक चुका है। और यहाँ पर मैंने 1 ही सीटी लगाई थी, आप देख सकते हैं इतना टेस्टी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पर मैंने हरी धनिया काटी हुई है, ये भी मैं डाल देती हूँ और डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें इतना अच्छा हमारा मसाला पका था कि आप देख सकते हैं जो इसका तेल है वो बिल्कुल एकदम ऊपर आ गया था। और ये लीजिए हमारा राजमा एकदम बढ़िया से बन करके रेडी हो गया है। तो दोस्तों चलते हैं फटाफट सर्व कर लेते हैं। तो ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगेगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना, अपना प्यार और सपोर्ट जरूर देते रहिएगा। बाय बाय।